सो गाइस हम लोग आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ फर्स्ट जो टोल प्लाजा है यहाँ पर आगे जाने नहीं दिया जा रहा, बाइक वालों को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 बजे खुलेगा तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। वहाँ पर देखो भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर भीड़ लगा कर कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या, पुलिस वाले हैं शायद, मीटिंग कर रहे हैं कोई सी, करते हैं क्या पता खोल भी दे भाई, इतनी भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। देखो पीछे भी बंदे हैं, उधर भी हैं, आगे तक बाइक है पूरी, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस काफ़ी देर की मशक्कत के बाद बहुत लोगों ने बोला कि भाई खोल दो यार, हमारा 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो कैसे कैसे करते करते उन लोगों ने फाइनली खोल दिया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं अभी तो टोल कटवाएंगे उसके बाद निकलेंगे भाई। सो गाइस देख सकते हैं ये है टोल प्लाजा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का पहला, और यहाँ पर टोल कटा है हमारी एक बाइक का 325 रुपये का, एक बाइक का 325 यानी तीनों बाइक के हो गए 975 रुपये टोल कटवा करके अब हम आगे निकल रहे हैं। देखते हैं अब हम कहीं रुकेंगे थोड़ी सी दूर पे, एक तो बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल डलवाना हमें बाइक में, और कहीं रुक करके खाना खाएंगे हम लोग, खाना लेके आए घर से वो खाना खाएंगे, पहले देखते हैं पेट्रोल पम्प कितनी दूर में है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो देख सकते हो मॉर्निंग हो चुकी है इस टाइम, और काफ़ी देर से रास्ते में चल लेते पर कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी बार बार से, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट अभी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो गई तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ा फ़िलहाल में। तो देख लो हम लोग अभी 78 किलोमीटर अभी कवर किया है सिर्फ आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और देख लो ये जो हमारे साथ एक अपाची बाइक है जो RR 310, इसकी देखो क्या प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ। एक बार प्रॉब्लम आई थी तो उसको हमने सॉल्व कर दिया था, थोड़ा बहुत देखो चैन जो है ना बिल्कुल लूज़ हो गई थी बिल्कुल, तो उसको हमने उतर भी गई थी चैन, तो उसको दोबारा से हमने कैसे भी करके लगा दिया था, और इसका थोड़ा टाइट भी कर दिया था, मतलब लूज़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी तो उसको थोड़ा टाइट कर दिया था। तो जैसे तैसे हम लोग थोड़ा कवर करके आगे थोड़ा सा आगे, बट जैसे थोड़ी स्पीड बढ़ाई ना तो दोबारा से चैन उतर गया, और इसमें देखो यहाँ पर ये चैन टूट भी गया, यहाँ देखो दिख रहा होगा तो एक टूट गया चैन। तो अभी अब इसको हम थोड़ी देर यहाँ छोड़ दिया, अभी हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया रात से, तो अब खाना खाएंगे हम लोग। तो जब तक के लिए मैं बताता हूँ हमने क्या किया, जो टोल पे जो टोल की स्लिप मिलती है ना उसके ऊपर नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर, हमने उस पर कॉल किया और उनसे बात की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है चैन वैन की टूट गया तो उसका कुछ बताओ। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक टीम आएगी, अभी मैकेनिक आएगा उनके साथ, और वो आ करके देख लेंगे जो भी इशू होगा उसको सॉल्व कर देंगे। हमने कहा ठीक है फिर, तो हमने बात करी उनसे, नंबर वंबर जो था बाइक का नंबर देना पड़ा था, और जो प्रॉब्लम थी चैन टूट गया है वो सब बताना पड़ता है, जो जो प्रॉब्लम है वो बताना होगा, तो हमने बता दिया। अब आएगा मैकेनिक थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में मैकेनिक आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक तब तक आप देखो सनसेट, देखो सनसेट हुआ हुआ है, देखो ध्यान से देखो दिख रहा हो, सॉरी सनराइज़ हुआ है, देखो कितना मस्त लग रहा है। और अभी थोड़ा सा ये टाइम लैप्स देखना, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. So guys देख सकते हो ये भाई साहब आए हुए हैं ठीक करने के लिए, जो हमने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था तब आए थे, और अभी कर रहे हैं कोशिश ठीक हो जाएगा, देखते हैं जल्दी हो जाएगा ना भाई, ठीक चलो भाई ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं भाई, ठीक हो जाएगा देखते हैं कितनी देर में होगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, देखो क्या दिक्कत हो गई है, ये जो चैन है कमिंदर की बाइक में टूट गया, और यहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो गया, तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा घर पहुँचने में गाँव में, क्योंकि अब हमने क्या किया है कि टोल पर फ़ोन करके इनको बुलाया ठीक करने के लिए, देखो ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, अब यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो गया चैन टूटने की वजह से। सो गाइस देख सकते हो कि इस टाइम मेरे हाथ में अपाची कमिंदर वाली, जो कि इसमें प्रॉब्लम हो रखी है चैन की, तो
अभी हमने टोल पे मतलब जो टोल का हेल्पलाइन नंबर होता है इन पर कॉल करके हमने बुलाया था मैकेनिक को, तो उसने ठीक किया क्या किया, एक जो इसकी अलग अलग जो छोटे छोटे पार्टीशन में होते हैं ना चैन, उसमें से एक चैन को उसने काट करके निकाल दिया, तो वो ठीक तो हो गया बट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, इतना ज़्यादा टाइट हो गया ना, बिल्कुल हार्ड हो रखा है वो जो चैन है उसका। तो अब जो है बाइक चलाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे नहीं चला सकते जैसे हमें नॉर्मल बाइक चलानी पड़ जाती है, अभी इस बाइक को थोड़ा स्लो चलाना होगा, ऊपर से इसने इंजन ऑयल और गिर दिया उस पर चैन पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसको चलाने में, धुआं धुआं सा निकल रहा क्योंकि इंजन ऑयल लग रहा है ना साइड में साइलेंसर है इस चक्कर में, तो बाइक अभी स्लो स्लो चला के ले जानी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब एक तो हम पहले लेट थे और ज़्यादा लेट हो गए, और ये चैन के चक्कर में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कम से कम हमारा 3 से 4 घंटे वेस्ट हो गए, उस मैकेनिक ने इतना स्लो काम किया, ऊपर से सही से किया भी नहीं, बड़ी दिक्कत हो गई यार। अब यहाँ से हम जाएंगे देखते हैं, अभी तो खैर धीरे धीरे चला के जैसे तैसे पहुँचाते हैं इसको लखनऊ तक, लखनऊ में जाएंगे इसके TVS के शोरूम में, सर्विस सेंटर में जाएंगे, वर्कशॉप में इसे थोड़ा सा देखते हैं, इसका चैन सेट जो इसका चेंज करेंगे, नया चैन सेट लगवाएंगे इसका, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तेज थोड़ी सी भी तेज नहीं चला पाएंगे, 45 की स्पीड में कैसे पहुँचेंगे। अभी हमें कम से कम 600 किलोमीटर के अराउंड चलना है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस हिसाब से, तो अभी मैं तो खैर निकला हूँ, पीछे से वो लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, वो तो खैर जल्दी आ जाएंगे, मैं तो देखो 50 भी नहीं चल रहा सही से, 48 की स्पीड चल रही है। अब इतनी धीरे की स्पीड में चलेंगे तो कब पहुँचेंगे बताओ, ये बाइक ऐसे हो रही है, आवाज़ भी देखो इसकी कैसी आ रही है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। चलो अब धीरे धीरे पहुंचते हैं, देखते हैं, वो लोग मेरे साथ ही चलेंगे, आगे पीछे आएंगे थोड़ा थोड़ा, कुछ दिक्कत ना हो बाइक में इसलिए, क्योंकि अभी एक बार इसका चैन टूटा था तो हमने उसको थोड़ा अपने हाथ से चैन चढ़ा दिया था तो वो ठीक हो गया था, फिर थोड़ी आगे आए थोड़ा वो चला, मतलब कि हम वो चले थे लगभग 12-15 किलोमीटर के आसपास चले थे, उसका फिर दोबारा से इसका चैन टूट गया, तो वो उस टाइम जब बुलाया था हमने 6 बजे का राउंड बुलाया था, और इस टाइम देख लो टाइम क्या हो गया, 9:04 हो गए, तो 6 बजे से 9 बजे तक सोचो 3 घंटे वेस्ट, बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का। और इसके चक्कर में हम लोग अपने घर पे गांव में बहुत ज़्यादा लेट पहुँचने वाले हैं। चलो अब तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे चलना होगा धीरे धीरे, लखनऊ एक्सप्रेस वे मतलब थोड़ी चला के बाइक देखेंगे कैसी चल रही है, ट्रैक मोड ऑन हुआ है इसका, और ट्रैक मोड ऑन हुआ है बट इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हम तो यार, कमिंदर ने एक बार चलाया था यार, क्या बाइक है यार, एक बार चलाया था इससे चैन की इतनी हालत बुरी हो गई, अभी सर्विस करवाया हमने इसको, बताओ 1000 रुपये सर्विस करवाया और अभी 1831 किलोमीटर चला हुआ है, 800 किलोमीटर में इसकी हालत हो रखी है ख़राब, इतना ख़राब बना रखे क्या चक्कर है यार, ऐसे कभी पहुँचेंगे बताओ। चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं तो धीरे धीरे, बैग मैंने अपना ले लिया है, किसने ठोकी है यार, नई बाइक ले जा रहे हो यार, पकड़ो भाई पकड़ो, अच्छा वो बैरी के वो छोटा सा लगा दो ड्रम, यार तुम नई बाइक ले जा रहे हो यार, देख के चलाओ भाई, एक बार वो स्टिकर हटा दो यार, तुमने यो भी दिखनो जो सामने किनी बांध, वो साइलेंसर के पास से स्टिकर हटा दो, चल रहा धुआं धुआं करेगा वो सामने हो तो, ओए गोलू इधर ये कहां गया है जी, उसको कह रहा हूं वो यार, वो हटा दियो वहां से स्टिकर हटा दे,
साइलेंसर के पास। हाँ चाबी से हटा दो। पलटी है यार, बताया नई गाड़ी, देख रहा है सारे स्क्रैच पड़ गए, चोट भी लग गई। भाई इस रोड पे नींद आती है भाई, यार इनको तो चोट ज्यादा लग गई भाई। चल हेलमेट पहने तो सही है, थोड़ा सा बस चोट तो चोट थोड़ी ज्यादा लग गई यार। पट्टी लगाया क्या? बैंडेज दे है क्या? सो गाइस मेरे पास थोड़ी दवाइयाँ हैं, मैं कुछ दवाई लगवा देता हूँ। ये लो लगा, ओ लगाओ गोलू, हाथ धो लिया फिर। अरे ठीक है ये लगा दे, और इसको फिर ये लगा करके पट्टी भी, पट्टी निकाले को अंदर। हाँ ऐसे रख दे बस, रुक जा, एक एक दो लेयर बांध दे इस पे। आंखें लग गई है ना इधर भाई, इस रोड पे आंखें लगती है यार। कैंची भी तो नहीं है, पर कैंची भी तो नहीं है। चक्कू लिया, चक्कू माता पाए बच्ची के। अरे गाड़ी हो जाएगी सही भाई, पीछे हम थे तुम्हारे, हम ना कोई बहन आओ तो बहन हो तो ऊपरी तेल दे तो हम तो पीछे ही, थोड़ा टाइट बांध खींच के। और आप भी गलती, आप भी डील लगा के चला रहे थे गाड़ी, बिना हेलमेट के आराम से मस्ती में चला रहे थे, बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट के मस्ती में डील लगा के ना। बिना हेलमेट तो हम लगा रहे थे, तुम भी नहीं, ये भी अपना रख के, अगर ये हो गया ना ले इसको, रुक जा यहाँ से काट दे। पकड़ कमिंदर, कैंची होनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से रखेंगे उसको भी। ले ऐसे करके लपेट दे फिर बांध दे ऐसे ऐसे, एक और लपेट इधर, दवाई लगा लो भाई, बैंडेज है, बैंडेज लगा लो। चल लगाना तो पीछे देना थोड़ा, ये बंदे ने लाइट दिखाया यार, उल्टी मैं स्लो चला रहा था ना यार, मैं सोचा वो ट्रक वाला मार के चला गया, फिर मेरे ध्यान मुझे लगा कि इन दोनों की टक्कर हो गई। हाथ पलटी करो, इस तरफ कर दो ना यार, इस तरफ से करो, बैग गोलू उल्टा हाथ करवा रखा है, इस तरफ से पलटी कर दो ना, इस तरफ से घुमाओ हाथ, हाँ इस तरफ से। ये ले, ये रहा ना, ये है तो सुखाज देख रहे हो, गोलू थोड़ी हेल्प कर रहा है, भाई साहब को चोट लग गई बहुत तेज। यहाँ पे बीच में लगा देते हैं छोटे छोटे ड्रम, है तो एक और ले ले। तो इनको चोट थोड़ी ज्यादा लगी, पैर में भी लगी है ना। अब बैंडेज ले लो, बैंडेज भी है कुछ, बैंडेज लगाना, बैंडेज भी लगा लो कहीं जहाँ पर इधर उधर चोट हो। ठीक है थोड़ी ध्यान से चलाओ भाई, ठीक है
इस पे हाथ पे क्या बैंडेज लगाओगे? हाथ पे बैंडेज लगा लो, बाइक चलानी है ना तभी तुम्हें दिक्कत होगी। बैंडेज लगा दे उनको, उनके पे लगा दे, उनके हाथ पे देख, दोनों हाथ पे ना हो रखा है। ले ले हाथ पे लगा दे उनके, बिट्टू उनका हाथ पे लगा दे, इस वाले हाथ पे लगाया ना तुम्हारे, इस वाले हाथ पे देखो ये लग रहा है, इधर पलटी मारो ये देखो, चोट तो तुम्हें ज्यादा ही लगी है यार, इंजेक्शन ले लेना भाई इधर जाने के लिए सूखने की। चोट सूखने की और टेटनस की भी लगवानी पड़ेगी। तो गाइस हमने थोड़ा सा मेडिसिन लगा दे दिया इनको, सूखने की दवाई तो नहीं है शायद, चले। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी बहुत होगी, अब हम निकल रहे हैं क्योंकि वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे, बट कोई बात नहीं निकलते अब। कमिंदर तेरा है क्या गलत, किसका है ये, गोलू का है, चल ठीक है कोई नहीं, धोले पहले हाथ। थोड़ा थोड़ी देर रुक जाओ फिर आराम से थोड़ी चले जाना, आराम से थोड़ा रुक करके, ठीक है भाई आराम से जाना थोड़ा यार, देख करके थोड़ा रुक करके, चलो भाई बैठो। देखा जैसे आपने पीछे भी एक एक्सीडेंट हो रखा था, काफ़ी तगड़ा हो रखा था। वो क्या है ना, बीच में जो आधे कटे हुए ड्रम लगा देते हैं वो, ये रोड सेफ्टी वाले रोड पे देखते रहते हैं बीच में गाड़ी वाड़ी ना लगा, वो लोग तो बीच में लगा दिया और इस बंदे की थोड़ी आंखें से झपकी हुई थी, उसने सीधे लगा के ठोक दी, बाइक पलटती हुई गई सीधे, और बाइक के तो लगी लगी, उस बंदे के भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, मैंने दिखाई दिया आपको वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा लगी है चोट उसको, हाथ में पैर में, वो सही है उसने मतलब सर बच गया उनका, ये सही हुआ। एक ने तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, लेडीज वाले पोज में बैठा हुआ था उस साइड, और ये जो फ्रंट में था उसने तो पहन रखा था फिर भी हेलमेट, खैर बच गए, बट चोट थोड़ी ज़्यादा आई है इन लोगों को। इनको बोला थोड़ा यार आराम से चलो, देख करके आंखें झपक रही तो रुक जा भाई, हम खुद रुक जा रहे हैं आंखें झपक रही है तो, कोई बात नहीं अब तो देखो सामने। अभी मैं तेज नहीं चला रहा, उन लोगों को भेज दिया मैंने आगे, अभी ना इधर गर्मी होने लगी तो मैं ना लाइनर चेंज कर रहा था, लाइनर निकाल दिया अपना और सिर्फ जैकेट जैकेट पहन रहा। अरे ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अभी तक तो मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गया नहीं हूँ, वहाँ जाएंगे जब देखते हैं वहाँ का क्या सीन है कैसा हुआ है। और यार इस पर मन कर रहा था इस अपाची को थोड़ी भगाने का, बट अपाची तो भाई थोड़ी सी इशू है, चैन की दिक्कत चल रही है इसलिए इसको नहीं भगा पाएंगे। अब इसका देखो, हम इतनी देर से इसका वेट कर रहे थे पेट्रोल पम्प का, स्टार्टिंग में एक भी पेट्रोल पम्प नहीं था नीचे, हमें जा करके नीचे मतलब एक्सप्रेस वे छोड़ करके नीचे जाना पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए। तो पेट्रोल डलवा कर क्या होते हैं सही था, हम लोग ने दो कैन जो थे वो एक्स्ट्रा ले कर चले थे, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती। उन लोगों को बोला था मैंने कि यहाँ रुकने के लिए एक सेकंड, ये नहीं गड़बड़ हो गया। यार आगे जाना था, मैं इधर चले गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को इस पे जाना था ना। हाँ कितना चला है? हाँ चला था थोड़ा ज़्यादा, तो 90 प्लस किया था, 93 के अराउंड कर सकते। हाँ दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं अभी कोई नहीं आ रही, तो सही है। 100 तक मतलब चला है। हाँ आ गया फूड प्लाजा, क्या करना है बताओ? अभी से रास्ता आगे निकल जाएंगे, नहीं भरेगा तो क्या? आगे भी मिलेगा हमको एक पेट्रोल पंप पे, एक और फूड प्लाजा, चलो आगे करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं, अभी तो पेट्रोल है सब में, अभी तो पेट्रोल फुल है। एक तो साला स्लो चला रहे, वैसे और ज्यादा देगी। हाँ 240 की बता रहा है, इसमें 240 का बता रहे हैं एवरेज, तो आराम से पहुंच जाएंगे। चलो आगे बढ़ो,
छोड़ा भी हुआ? चल कोई नहीं, हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं फूड किंग है यहाँ पर, पेट्रोल है और वॉशरूम वगैरह जो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रुकने वाले थे बट कोई फायदा नहीं रुकना है क्योंकि वैसे हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि नहीं अब रुकते हैं, सीधा लखनऊ तक चलते हैं या फिर अगला जो फूड प्लाजा आएगा वहाँ पर रुकेंगे अपन लोग, वरना हम लोग चलते रहेंगे। बेशक स्लो थोड़ा चलो बट चलते रहो क्योंकि पहले हम बहुत ही लेट हो चुके हैं यार, और कितना लेट होएंगे बताओ। रात को पहुँचेंगे इस हिसाब से तुम घर पर, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं रुकना, सीधे चलो। वैसे बाइक तेज नहीं चला सकते फिलहाल में। चलो मैं आगे दिखाता हूँ, कुछ मस्त सा नज़ारा दिखता है तो।